तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में जो है जाना है और टाइप करना है क्रेडिट कार्ड। जैसे आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिखोगे आपको सामने ही देखने को मिल जाता है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक वाला क्रेडिट कार्ड का जो होगा वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए सामने ही देखने को मिल गया है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो आप इधर पर क्लिक करेंगे। अब जब आप जैसे क्लिक करोगे आपके इसके कुछ फीचर्स और इसका डेमो किस तरह का होगा जो कार्ड के ऊपर प्रिंट होगा वो सारा दिखाया गया है। यहाँ पर बेनिफिट हैं 5% का है, 4% और ये है 3.5%। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर आप अवेलेबल मतलब कि क्या एप्लीकेबल होगा ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट में आपने अपने बारे में जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो डालना होगा, जैसे नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से डाल लेंगे। यहाँ से मैं भी जो है वो डाल देता हूँ क्योंकि हमारी पर्सनल डिटेल्स ही हैं सारी। जो है डिटेल डालने के बाद देखिए इस तरह से आपने कुछ डिटेल डालनी होंगी सारी अपनी, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ये अगले स्टेप में लेके जाएगा कि आप क्या करते हो, आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो दोनों में से जो भी आप हो उस पर जाएँ और चीज़ें लगभग लगभग सेम ही होंगी। जैसे कि आप अगर सैलरीड हो तो कहाँ पे आप मतलब कि जॉब करते हो उनकी डिटेल देनी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होगे तो आप कहाँ पे मतलब कि आपका खुद का बिजनेस है या खुद की शॉप है उसके बारे में डिटेल देनी है। तो बस जिसके अकॉर्डिंग आपने जाना है उसकी डिटेल दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सैलरीड करके चूज़ किया हूँ और यहाँ पे मैंने डिजीफ्लॉक जो है वो कंपनी है। जिस तरह की कंपनी होगी सारी चीज़ें आपको बारी बारी से जो है वो समझाता रहेगा और आपको ऑप्शन देता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है चूज़ कर लेंगे। देन आप सारी डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो अब ये बोल रहा है कि आपसे हम कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, तो वो डिटेल दीजिए कि मान लीजिए आपका जो कॉन्टैक्ट वाला एड्रेस है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे दीजिए। तो यहाँ से आप जो है वो सारी डिटेल देंगे, मान के चलिए आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो और आपका वर्किंग एड्रेस अगर ये पूछता है तो वो भी आपको देना होगा। तो आपने जो है अपना अगर मान लीजिए एड्रेस नहीं है उसमें डाला हुआ तो आप एड्रेस डालेंगे, अदरवाइज़ आपका फ्लिपकार्ट में एड्रेस है तो वो भी ले लेगा यहाँ से। देन आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब ये सारे देखिए यहाँ पे दो चेक होंगे, आपने इन चेक को जो चेक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ आप उनको जो है चेक पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद आपने देखिए दोनों चेक भी क्लिक करने हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद एक चेक और जो है आपने क्लिक करना होता है जो है टर्म एंड कंडीशन वाला, तो आप इसको ऊपर को स्क्रॉल करें और यहाँ पर नीचे एक चेक और आता है उस पर भी क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे आप करते हैं अब आपके पास OTP आएगा, OTP डालेंगे। जैसे OTP डालते हैं ये आपको कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएगा और ये आपका जो है अप्लाई हो चुका है। अब कुछ दिन बाद ही आपको अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको जो है ये आपके यहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। और ऐसा ही देखिए यहाँ से अप्लाई करना होता है। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।